बहुत अकेली पड़ गई है यार, बहुत ज्यादा। उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब राखी सावंत वैलेंटाइन डे की सुबह हाथों में गुलदस्ता लिए आदिल खान का नाम पुकारते हुए थाने के बाहर जा पहुंची। लेकिन तभी अचानक जो हुआ जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, जब से राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और अरेस्ट करवाया है, वो खुद भी बहुत दुखी हैं। क्योंकि राखी ने आदिल खान को सुधरने के बहुत मौके दिए थे, लेकिन जब आदिल खान कुरान की झूठी कस्में खाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो राखी सावंत ने आदिल खान के खिलाफ पैसों की हेरा फेरी, घरेलू हिंसा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगाकर जेल पहुंचा दिया। इसका प्रूफ राखी सावंत ने उनकी गर्लफ्रेंड निवेदिता तनु चंदेल की फोटो और वीडियो वायरल करके दिया, जिसके बाद पता चला कि आदिल खान की गर्लफ्रेंड तनु चंदेल प्रेग्नेंट है। यह सब राखी सावंत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अभी भी कहीं न कहीं आदिल खान को भूल नहीं पा रही हैं और वो रोज इंस्टाग्राम पर आदिल के साथ बिताए उन बीते पलों की वीडियो भी शेयर करती हैं। उन्होंने आदिल खान को डिवोर्स देने से भी मना कर दिया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें राखी सावंत कहती हैं, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा है। इसका आप वीडियो देख सकते हैं। भला है बुरा है जैसा भी है वो मेरा पति है। इसके बाद आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को राखी सावंत हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए पुलिस स्टेशन के बाहर स्पॉट हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या राखी सावंत अपने पति आदिल खान को वैलेंटाइन डे विश करने जा रही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।